नमस्कार, मैं कफील खान, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल किसान की धड़कन। आज आपको हम सिरघाटी के सुनार टोली में लेकर आए हैं और आपको आज गाय के बारे में कुछ खास चीज़ बताएंगे। हमारे साथ हैं अमरजीत कुमार, इनसे जानेंगे गाय की खूबी, गाय का नस्ल और गाय में ये कितना मुनाफा कमा लेते हैं। आप अपना परिचय बताइए। अमरजीत कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? सुनार टोली। अच्छा, गाय आप ये कितना दिन से रखे हुए हैं आप लोग? करीब 5 साल से। 5 साल से कर रखे हुए हैं। कौन कौन से नस्ल की गाय है आपके पास? फ्रीजियन है, क्रॉस फ्रीजियन है और सहवाल भी है मेरे पास मिक्स। तो ये सारा चीज़ आप खुद से करते हैं ना? जी। जो मेरे YouTube चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अंत तक जरूर देखें। बताइएगा ये गाय जो है कौन से नस्ल की है? क्रॉस फ्रीजियन है। अच्छा, कितना दूध देती है ये? 14 लीटर। 14 लीटर। कितनी गाय रखे हुए हैं आप अपने पास? मेरे पास तो 11 गाय है। 11 गाय है टोटल आपके पास? जी। अच्छा, तो सारी दूध देती है अभी? नहीं, इसमें से 7-8 लगती, 8 गो। 8 गाय दूध देती है। तो टोटल दूध कितना हो जाता है आपके पास में? मेरे पास टोटल वही 60 लीटर। 7 लीटर हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो और आपके पास जो गाय है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये है 8 लीटर करती है। अच्छा, नस्ल कौन सा है ये? नस्ल है फ्रीजियन। फ्रीजियन जी। ये कौन सी नस्ल है? प्योर फ्रीजियन है। प्योर फ्रीजियन, बड़ा खूबसूरत है। बहुत मेहनत करते हैं लगता है आप गाय के पीछे, है ना? बहुत मेहनत करते हैं। 3 बार इसी में लगे हुए। कितना दूध देती है ये? ये भी गाभिन है। अच्छा, गाभिन है ये। ये कौन सी नस्ल की है? सहवाल क्रॉस है। सहवाल क्रॉस है। अच्छा, कितना दूध देती है ये? ये करती है 18 लीटर। 18 लीटर दूध करती है ये। ये कौन सी नस्ल की है भैया? फ्रीजियन है। फ्रीजियन है ये भी? जी। अच्छा, ये कितना दूध देती है? ये करती है अभी 10 लीटर। 10 लीटर। 10 दिन पहले बच्चा ही दी है। अच्छा अच्छा, मतलब दूध बढ़ेगा इसका ना अभी? और बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, क्या क्या? बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधा गाय है। जी। अच्छा, और बड़ा खूबसूरत भी लग रही है ना? जी। ये वाली जो गाय है ये कौन सा नस्ल है? ये भी फ्रीजियन है। फ्रीजियन है। ये कितना दूध दे देती है? ये भी एक टाइम कर रही है 5 किलो। एक टाइम 5 किलो। सबसे कम दूध देने वाली लगता है आपके पास यही है क्या? यही है। अच्छा अच्छा, इनके पास में तो शेड भी बनाए हुए हैं जो आप लोगों को हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। मगर ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा कि ये पेड़ के नीचे में गाय बांधते हैं, जिससे गाय को बड़ा आरामदेह मिलता है और बड़ा खुली जगह में गाय रहती है और इनको मतलब कोई तरह की बीमारी से दूर रहते हैं और इनको खुले में बड़ा आज़ादी से रहने का मौका मिलता है। ये है 8 लीटर करती है। अच्छा, नस्ल कौन सा है ये? नस्ल है फ्रीजियन। फ्रीजियन जी। ये कौन सी नस्ल है? प्योर फ्रीजियन है। प्योर फ्रीजियन, बड़ा खूबसूरत है। बहुत मेहनत करते हैं लगता है आप गाय के पीछे, है ना? बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, गाभिन है ये। ये कौन सी नस्ल की है? सहवाल क्रॉस है। सहवाल क्रॉस है। अच्छा, कितना दूध देती है ये? ये करती है 18 लीटर। 18 लीटर दूध करती है। ये कौन सी नस्ल की है भैया? फ्रीजियन है। फ्रीजियन है ये भी? जी। अच्छा, ये कितना दूध देती है? ये करती है अभी 10 लीटर। 10 लीटर। 10 दिन पहले बच्चा ही दी है। अच्छा अच्छा, मतलब दूध बढ़ेगा इसका ना अभी? और बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, क्या क्या? बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधा गाय है। जी। अच्छा, और बड़ा खूबसूरत भी लग रही है ना? जी। ये वाली जो गाय है ये कौन सा नस्ल है? ये भी फ्रीजियन है। फ्रीजियन है। ये कितना दूध दे देती है? ये भी एक टाइम कर रही है 5 किलो। एक टाइम 5 किलो। सबसे कम दूध देने वाली लगता है आपके पास यही है क्या? यही है। अच्छा अच्छा, इनके पास में तो शेड भी बनाए हुए हैं जो आप लोगों को हम दिखाएंगे आगे वीडियो में।
रहा था, लकड़ी भी कंप्लीट हो गई थी। मगर ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा देखने के लिए आपको मिलेगा कि ये पेड़ के नीचे में गाय बांधते हैं, जिससे गाय को बड़ा आरामदेह मिलता है और बड़ा खुली जगह में गाय रहती है और इनको कोई तरह की बीमारी से दूर रहते हैं और इनको खुले में बड़ा आज़ादी से रहने का मौका मिलता है। लीटर आप दूध बेचते हैं, है ना, तो 55 रुपये लीटर दूध जब बेचते हैं तो आपको लगभग उसमें खर्च जो है 50% चला जाता होगा जी, 50% बच जाता है, है ना। तो इसमें मतलब गाय को आप धोने उने के लिए कुछ सुविधा बना रखा है? नहीं, घर पे। अच्छा, घर पे, वहाँ वाले घर पे बना हुआ है, वहाँ मोटर वोटर सब सेट है जी। तो वहीं पर मतलब धोते होते आप ले जा करके तो वहाँ पे लेते। इसको धोना डेली पड़ता है ना? हम तो डेली नहीं धोते हैं। डेली नहीं धोते हैं? नहीं। अच्छा, अकेले करते हैं इसीलिए डेली नहीं कर पाते हैं जी, है ना। तो आगे आप इस गाय को और बढ़ाना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाहते हैं, खरीद बिक्री का भी काम होता है। अच्छा, खरीद बिक्री का भी काम होता है। गाय आप खरीद बिक्री दोनों करते हैं? हाँ जी, हाँ खरीद बिक्री करते हैं जी। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा उसके लिए आप अपना नंबर बता दीजिएगा जी, 8434347789। अच्छा, एक बार फिर से बोल दीजिए आप अपना नंबर, 8434347789। लोग देख सकते हैं ये नंबर से इनसे कांटेक्ट कर करके अपनी गाय को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। क्या क्या देते हैं खाने में? देते हैं कोसी पशु आहार। अच्छा, दरा। अच्छा, चोकर। अच्छा अच्छा, कुट्टी। अच्छा, कितना टाइम दे देते हैं? दो टाइम दे देते हैं। तो टोटल दूध जो आपका होता है लगभग कितना हो जाता है टोटल दूध? टोटल मेरे पास 60 लीटर होती है। 60 लीटर दोनों टाइम से जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो आप इतनी गाय रखे हुए हैं इसमें 4-5 गाय जो है दूध नहीं दे रही है जी, है ना। अच्छा भैया, ये सब जो बनाए हुए हैं बड़ा आप बहुत बढ़िया तरीके का बनाए हुए हैं, ये सारा जो है गाय को खिलाने के लिए, तो ये बड़ा सस्ते में बन जाता है, है ना जी। मतलब अगर कोई नया बिजनेस करना चाहेगा गाय का तो कम पूंजी में 2-3 गाय रख के कर सकता है ना आराम से, क्यों नहीं कर सकता। तो उसके दो गाय खरीदने के लिए उसको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? बहुत तरह की गाय है। अच्छा, जितना आप पैसा लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई नया बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है गाय पालन के लिए और कुछ कमाना चाहता है उससे, तो वो लगभग मोटा मोटी 1 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्ट कर करके 2 गाय रख सकता है? बिल्कुल, मतलब अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सकता है जी। कितना कमा सकता है उसे 2 गाय रख करके? वो 2 गाय रख कर कम से कम 30,000 पर महीना, 30,000 महीना कमा लेगा जी। अच्छा, तो उसको मतलब इसी तरीके से आपका जो शेड बना हुआ है, हम आप दिखाएंगे यहाँ पर, ये जो शेड बना हुआ है आप जो बनाया है यहाँ पर, ये चारों तरफ से बांस का घेर कर करके और तिरपाल डाल कर करके ये शेड बना हुआ है और आप देख सकते हैं गाय को खिलाने के लिए हर जगह पे सीमेंट का वगैरह बना रहता है, मगर इनके पास देखिएगा ये ड्राम को काट के बनाया हुआ है। तो ये बहुत आसान तरीका है और कम पूंजी में बिजनेस करने का बहुत बढ़िया तरीका है जो आपको बता रहे हैं भैया, वो सारे चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और कम पैसे में बिजनेस कर सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।